दोस्तों, अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का पांचवा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको एच जी वेल्स ने लिखा है, राइट, जिसे आज हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो आप लोग जरा इसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद की जो भी वीडियोस मैं डालूँगा आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन में ही चला जाएगा, राइट। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या कहानी है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, कहने का मतलब पैरों के निशान, है ना, बिना पैर के। बड़ा अच्छा लाइनिंग है भाई, बड़ा अच्छा ये इसका हेडिंग है। देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट मतलब बिना पैर के पैरों के निशान। ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बिना पैरों के ही पैर के निशान आ जाएं? हुआ है, इस चैप्टर में हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है? दोस्तों, ये जो वर्ड और ये जो सेंटेंस है, इससे मुझे याद आता है मिस्टर इंडिया पिक्चर का। मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है ना। उसके पास कुछ ऐसा डिवाइस होता है जिसको पहनने के बाद, है ना, वो इनविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पूछ रहा है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, मीन्स अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और ये जो कहानी है, एक वैज्ञानिक की कहानी है, जो किस तरह से डिस्कवर करता है अपने आप को इनविजिबल करके। मतलब वो कुछ डिस्कवर करता है, किसी चीज़ की खोज करता है, और उस खोज के हेल्प से वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, मीन्स अदृश्य कर लेता है। डज ही यूज और मिस यूज? तो क्या वो जो इनविजिबिलिटी का जो क्वालिटी है, या वो जो ड्रग्स है जिसके पीने से वो इनविजिबल हो जाता है, और इनविजिबल होने के बाद क्या वो इसका यूज करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा? हिज डिस्कवरी मतलब उसका जो डिस्कवरी है, उस डिस्कवरी से वो क्या करेगा, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा? ठीक है, तो क्या सदुपयोग क्या दुरुपयोग, ये तभी पता चलेगा जब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं इस कहानी को, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है, राइट। और इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। लीजिए, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बियर फिट। दो लड़के जो थे वो सरप्राइज रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, क्या देख करके, कि जो फ्रेश मडी है, मडी मीन्स होता है कीचड़, कीचड़ वाला रास्ता, कच्चा रास्ता, उस कच्चे रास्ते के ऊपर पैरों के पैरों मतलब इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बियर फिट, मतलब खाली पैरों के निशान जो है उग रहे थे, है ना। ये दो बच्चे जो हैं, ये दो बच्चे ये देख करके दंग रह जाते हैं कि खाली पैरों के निशान, है ना, मतलब कच्चे रास्ते पे छप रहे थे। वॉट वॉज अ बियर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस? वो आदमी क्या कर रहा है घर के सीढ़ी पे, है ना, खाली पैर चल रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है इन द मिडल ऑफ द लंदन, है ना, इस लंदन के मीड में मतलब मध्य में। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ है, मतलब लड़के दंग है, सरप्राइज्ड हैं, राइट, कह रहे हैं कि भाई ये खाली पैरों के निशान जो हैं ये बन रहे हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ है जो जिसके पैर के निशान बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। एज दे गेज्ड
अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। जैसे वो लोग टकटकी निगाहों से देख रहे थे, तभी उन्होंने एक असाधारण, क्या असाधारण, रिमार्केबल मीन्स होता है असाधारण दृश्य उन्होंने देखा। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर। उन्होंने देखा कि एकदम साफ साफ फुटमार्क, मतलब पैरों के चिन्ह, पग चिन्ह, इसको फुटमार्क मीन्स होता है पग चिन्ह, पैरों के चिन्ह नजर आ रहे हैं, है ना, प्रकट हो रहे हैं। अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर, यहां से उन लोगों को दिख रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद वो फुटप्रिंट्स आगे बढ़ते जा रहा था, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग, एक पैर के बाद दूसरा पैर, फिर उसके बाद, फिर ऐसे करके वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा था, मतलब प्रोग्रेस कर रहा था, मतलब वो आदमी चल रहा है, चलने आगे चल रहा है, उसके पैरों के निशान जो है छप रहे थे। डाउन द स्ट्रीट, जब वो सड़क पे आया, द बॉयज फॉलोड, लड़के उसको फॉलो करने लगे, फैसिनेटेड, आकर्षित हो चुके थे कि अरे भाई ये कौन है भाई, है ना, चले जा रहा है ना, पैरों के निशान तो बन रहे हैं, बट जिसके पैर हैं वो कहाँ है। Until the muddy impressions became fainter and fainter, ये तब तक चलता जा रहा था, है ना, जब तक कि वो जो muddy impressions है ना, वो धीरे धीरे क्या हो गया, अदृश्य हो गया। कहने का मतलब कच्चा रास्ता जो है पक्के रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो कच्चे रास्ते पे क्या होता था, फुटप्रिंट्स जो है ना वो उग रहे थे, बट पक्के रास्ते पे तो फुटप्रिंट्स उगेंगे नहीं, इसीलिए फुटप्रिंट सब दिखाई नहीं दे रहा था। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में क्या होता है, वो फुटप्रिंट्स डिसअपियर्ड हो जाता है, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। ये कहानी लंदन के शहर का है, और उस लंदन शहर में कुछ लड़कों ने देखा एक आदमी के पैरों को चलते हुए, और वो पैर चले जा रहा है, लेकिन वो आदमी कहाँ है जिसके पैर के निशान बन रहे थे, राइट। इस चीज को देख करके, इस दृश्य को देख करके बच्चे जो थे वहां पे, सब लोग आकर्षित थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बट आश्चर्य में भी थे। आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। बोल रहा है कि इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे? द बिवाइल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट who had just discovered how to make the human body transparent। जो ये जो रहस्य है, वो जो आदमी जो दिख नहीं रहा था आदमी, और उसके पैरों के निशान बन रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, किसके पैर है ये, है ना, ये एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। कैसे? जो आश्चर्यचकित जो बच्चे थे ना, जो दंग आश्चर्य में थे, जो बच्चे देख रहे थे, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, मतलब एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे थे, जिसने अभी हाल में ही क्या किया था, डिस्कवर किया था, है ना, कि कैसे आदमी का शरीर ट्रांसपेरेंट हो सकता था, राइट। तो उसने अभी हाल में ही एक कोई दवा या एक कोई ऐसा डिवाइस उसने इजाद किया था, इन्वेंट किया था, राइट, और उसी का उसने प्रयोग करके अपने बॉडी को उसने ट्रांसपेरेंट कर लिया था, मतलब अदृश्य कर लिया था। तो वो बच्चे किसको फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को, और वो साइंटिस्ट अदृश्य हो चुका था, राइट। ग्रिफिन, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, द साइंटिस्ट, वो जो वैज्ञानिक था उसका नाम था ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और वो एक्सपेरिमेंट लगातार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो सिद्ध करना चाहता था कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो इनविजिबल हो सकता है, कहने का मतलब अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स एंड, सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ने से क्या होगा कवर कर पाएंगे, चलिए थोड़ा आगे यहां से लेते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट
had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो था एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था यह सिद्ध करने के लिए कि जो ह्यूमन का जो बॉडी है वो अदृश्य हो सकता है. फाइनली ही स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास. और अंत में क्या होता है, अंत में वो अपने इस काम में सफल हो जाता है. राइट वो एक सर्टेन रेयर ड्रग्स को, जो कि वो ड्रग्स कहीं मिलता नहीं है, वो दवा वो पी लेता है. राइट निगल जाता है और उसके बाद वो देखता है कि उसका जो बॉडी है वो एकदम एक कांच के ग्लास की तरह है ना ट्रांसपेरेंट हो गया है. मतलब अब उसका शरीर अदृश्य हो गया है, उसका शरीर अब इनविजिबल हो गया है. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास. तो देखो शरीर केवल उसका अदृश्य हुआ है लेकिन वो अभी भी सॉलिड है, ग्लास की तरह ही सॉलिड था. मतलब वो उसका शरीर अदृश्य हुआ है, वो पूरा शरीर हवा नहीं हुआ है ना, ये कहने का मतलब है यहां पे. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वो बड़ा ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज रदर अ लॉलेस पर्सन. लेकिन ये ग्रिफिन जो था ये लॉलेस पर्सन था. मतलब लॉलेस मतलब होता है नियम को न मानने वाला व्यक्ति था. ये नियम थोड़ा इग्नोर करता था, नियम कानून को ये फॉलो नहीं करता था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. इसी के कारण इसके जो मकान मालिक थे इसको अपने मतलब इसको नापसंद करता था और इसको अपने रूम से निकाल देने का धमकी भी दिया था. इन रिवेंज, धमकी भी दिया था कहने का मतलब निकाल भी दिया था, बोल दिया था कि भाई आप चलो यहाँ से जाओ, इस रूम में आप रह नहीं सकते हो क्योंकि आप यहाँ के नियम कानून को नहीं फॉलो करते हो. राइट इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और इसके बदले ग्रिफिन ने क्या किया, उस मकान मालिक से बदला लेने के लिए जो उसको घर से निकाल दिया था, उसके घर में आग लगा दिया. ठीक है, मतलब मकान मालिक के घर में उसने आग लगा दिया, जिस घर में वो रहता था उस घर में आग लगा दिया. टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब क्या होता है, अब वो भागना भी चाह रहा है क्योंकि घर में आग लगाया है तो अगर दिख जाएगा तब तो उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएंगे. इसीलिए क्या किया, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए. जैसे ही सारे कपड़े उतारे इनविजिबल हो गए. Thus it was that he became a homeless wanderer. और इस तरह से वो अब एक बेघर है ना आवारा की तरह घूम रहा है, without clothes, without money and quite invisible. अब उसके पास ना घर है, ना कपड़े हैं, ना पैसे हैं और वो अब पूरी तरह से invisible है, means अदृश्य हो चुका है. Until he happened to step in some mud. ये तब तक ही अदृश्य रहता है, मतलब इसके बारे में पता तब तक ही नहीं चल पाता है जब तक कि ये कीचड़ वाले रास्ते पे नहीं आता है. मतलब जब ये कीचड़ वाले रास्ते पे आता है तो जब ये चलता है कीचड़ वाले रास्ते पे तो वहाँ पे क्या होता है, उसके पैर के निशान आने लगते हैं. जैसे कुछ देर पहले कुछ बच्चों ने उसको नोटिस किया था क्योंकि कीचड़ कच्चे रास्ते पे चल रहा था तो उसका पैर का निशान बन रहा था. तो इस तरह से इसका आइडेंटिटी हो जाता था. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. और ये क्या करता था कि जब ये चलता था कच्चे रास्ते पे तो इसके फुटप्रिंट्स उस पे छपने लगते थे. ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक, मुझे आशा है कि आप लोग इस कंटेंट को समझ चुके होंगे और मैं चाहूँगा कि इसके बाद का भी कुछ पार्ट अभी मैं डालने वाला हूँ, आप उसका इंतज़ार करिए और इसको इंजॉय करिए. ठीक है, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.